नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर फिर से हम 18 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं या फिर चैनल में जाकर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो 18 प्रश्न लिए गए हैं बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपको सारे प्रश्न देखने चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को पूरा लास्ट तक देखें और एक एक का आंसर सोल्यूशन अच्छे से समझ लें, ताकि आपकी परीक्षा में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और आपके वीडियोज़ मिस हो जाएंगे। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 0.625 को भिन्न में बदलो। बड़ा ही आसान है, 0.625 को भिन्न में बदलना है, तो 0.625 ये आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, 2, 3, तो 301 के साथ लगा देंगे, यानी 625 बटे 1000। अब इसको आपको काटना पीटना है और आंसर लाना है। देखिए कैसे कटेगा ये, सबसे पहले 25 से काट के देखते हैं, तो 25 × 25 625 होता है, और 25 चौको 100 और 1 ये 0, ठीक है। अब 5 से काट लीजिए, 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40। अब 5 और 8 में कुछ कटने वाला नहीं है, तो आंसर आ जाएगा आपका 5/8, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सीधा आपको इसको लिखना है, यहाँ से जो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर बटे में जितने दशमलव के बाद अंक हैं 1, 2, 3, तो 3 0 लगा देने हैं 1 के साथ। अब इसको काट पीट लीजिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 25/16 का वर्ग पूछ रहा है। 25/16 का वर्ग कर दीजिए, तो 25 का वर्ग होता है 625 और 16 का वर्ग होता है आपका 256, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 625/256, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कई लोग इसको जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 25 खुद भी एक वर्ग है 5 का और 16 खुद वर्ग है 4 का, तो आप ऑप्शन पहला देखेंगे और पहला ही जल्दबाजी में टिक लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर वर्ग पूछा है, वर्गमूल नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 157,464 का घनमूल निकालिए। देखो घनमूल निकालने की आसान ट्रिक का वीडियो मैंने पहले बनाया था, उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया। आपको अगर घनमूल निकालने की ट्रिक नहीं पता है तो बहुत ही आसान तरीके से आप घनमूल निकाल सकते हैं, और इस तरह के ऑप्शन वाले क्वेश्चन 1 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो 157,464 इसका घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल होगा 54। आप इसको आसानी से कैसे निकालेंगे, इसके लिए अलग वीडियो बनाया है, बहुत ही आसान तरीके से, ट्रिकी तरीके से, मात्र 5 सेकंड में आप घनमूल निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, किसी चतुर्भुज के 3 कोणों का योगफल 280 है, चौथे कोण की माप बताओ। देखो चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। अब 3 कोणों का योगफल दे रखा है 280, तो चौथे कोण की माप कितनी हो जाएगी, आप खुद यहां से घटा के निकाल सकते हैं, 80 डिग्री, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आसानी से समझ में आ गया होगा। sin 30/cos 60 का मान क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया था sin θ = cos 90 - θ। अगर ये आपके बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर भी एक बार इसको समझने का प्रयास करिए, नहीं समझ में आता है तो बड़े आसान तरीके से भी इसको कर सकते हैं। sin θ है, तो sin θ = cos 90 - θ, तो ये आपका आ जाएगा cos 60। यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं sin θ = cos 60, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो ऑप्शन इसका आंसर 1 आ जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा तो आप इसकी सीधा सीधा वैल्यू रख दीजिए। sin θ की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, दोनों कट गए, आंसर आ गया 1, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे रखा है, 36x² + 12x + 1 का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करना होगी, एक्स स्क्वायर का जो नंबर है 36 और ये जो खाली नंबर पड़ा है इसका, 1 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। अब 12x को हमें ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर 36 आ जाए, जोड़ने पर 12 आ जाए,
तो 6 और 6 हम इसको तोड़ सकते हैं, 6 और 6 जब जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा। तो 12x को हम लोग 6x प्लस 6x के फॉर्म में तोड़ लेते, इस 12x को हमने 6x प्लस 6x में फॉर्म में तोड़ लिया। अब यहाँ से इन दोनों में जो कॉमन मिल जाए वो कॉमन ले लीजिए, तो 36 है यहाँ, यहाँ 6 है तो 6 कॉमन मिल जाएगा। अब 36 में 6 कॉमन, यहाँ पर x भी कॉमन मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं। तो जब 36x स्क्वायर से 6x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 6, और एक्स स्क्वायर में x ले लिया तो बचेगा x, यहाँ पर है 6x, अब पूरा 6x ले चुके हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर यही उठा के सेम टू सेम हम यहाँ रख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ 6x है और यहाँ पर भी 6x है, तो दोनों में जब 6x है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, प्लस 1 ही हमें कॉमन मिल पाएगा। तो ये 6x यहाँ से और प्लस 1 ये, और एक ब्रैकेट में ये वाला 6x प्लस 1, तो ये आपका आ गया इसके गुणनखंड होगा 6x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी सेम टू सेम। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, 4x प्लस 9y इक्वल टू 22। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, सिर्फ x का मान ज्ञात करना है। अगर x y का मान ज्ञात करना होता दोनों का तो शायद दो नंबर में ये क्वेश्चन पड़ा होता, यहाँ पर केवल x का मान पूछ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर x का मान यहाँ निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 और 4x प्लस 9y इक्वल टू 22। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये जो एक तरीके से इसको समीकरण एक मान लेते हैं, इसको समीकरण दो मान लेते हैं। तो ऊपर जो 2x प्लस 5y है इक्वल टू 12, तो ऊपर है 2x, नीचे है 4x, तो ऐसा करते हैं जो 2x वाला है इसको भी 4x बना लेते हैं, तो हमें आसानी से सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो ये जो समीकरण एक है इसमें पूरे में दो से गुणा कर देते हैं, तो 2 × 4x, 5 × 10y इक्वल टू 12 × 24। ठीक, अब इसके बाद नीचे वाला 4x प्लस 9y इक्वल टू 22, नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन ऊपर वाले में हमने पूरे में दो से गुणा कर दिया है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सबके चिन्ह बदल दीजिए क्योंकि सॉल्व करने के लिए चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो ये पूरा कट जाएगा, ये बचेगा 10y में 9y घटेगा y, और 24 में 22 घटेगा तो ये आपका आ जाएगा 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2। अब इसी y की वैल्यू को इस समीकरण एक में रख देते हैं, 4x प्लस 10 ये y है तो y की जगह 2 रख देते हैं, और 24, 4x 10 × 20 और 20 बराबर के उस तरफ जाएगा तो 24 माइनस 20 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 को उस तरफ भेजेंगे तो x इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1, आंसर आपका कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और x की वैल्यू ही यहाँ पर पूछ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी क्लियर समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमें बस दोनों को बराबर किया, एक कोई भी या तो x कट जाता या तो y कट जाता, कोई भी कट जाता और आपकी आंसर कोई ना कोई y, अगर x कटता तो y की वैल्यू आती, y कटता तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल के सामने आ जाती, और उसी x या y की वैल्यू के सहारे दूसरा जो बच रहा है x या y वो निकाल लेते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 3, 4, 7, 9, 15, 10, 13 की मध्यिका ज्ञात करनी है। तो ऐसे जब नंबर बिखरे पड़े हों तो इन सभी को पहले अरेंज कर लो, आरोही क्रम में लगा लो, 3, 4, 7, 9, 10, 13 और 15। यहाँ पर नंबर गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n इक्वल टू 7 है, यानी ये क्या है, विषम संख्या है, और विषम संख्या का मध्यिका निकालने के लिए इसका सूत्र होता है n प्लस 1 अपॉन 2 वा पद, n प्लस 2 यानी 7 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 8 अपॉन 2 यानी चौथा पद पूछ रहा है। अब चौथा पद यहाँ पर कौन सा, 1, 2, 3, 4 यानी 9, तो यहाँ पर जो मध्यिका निकल के आ गई वो 9 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाते हैं, एक नंबर में आते हैं और आपको समझ लेना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 पासों को फेंकने पर ऊपरी फलक पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहाँ पर जब 2 पासे फेंके जाएँ और दोनों पर समान अंक आ जाएँ तो क्या हो सकता है, पहले पासे पर 1 आए और दूसरे पर भी 1 आ जाए, दूसरे पर और पहले पर दोनों पे 2-2 आ जाए, दोनों पर 3-3 आ जाए, यहाँ पर तभी तो समान अंक आएंगे, 4-4 आ जाए, 5-5 आ जाए या फिर 6-6 आ जाए,
ठीक है, कुल मिलाकर कितनी कंडीशन बनी, 6। तो हमें यहाँ पर संभावना यानी प्रायिकता ज्ञात करनी, प्रायिकता ही लिख देते हैं, संभावना और प्रायिकता दोनों सेम बात है। प्रायिकता, संभावित परिणाम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, इसका सूत्र क्या होता है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम आपके सामने 6 हैं और जब दो पासों को फेंकते हैं तो कुल परिणाम प्राप्त होते हैं 36। अब आप इसको काट पीट लीजिए, 1/6 इसकी संभावना यानी प्रायिकता निकल के आ गई। उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समलंब की समांतर भुजाओं का योग 140 मीटर, क्षेत्रफल 490 मीटर, 490 वर्ग मीटर, और समलंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो अगर हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लेना, समलंब का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, आपको पूरा लिखना होगा, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की जगह 490 रख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में 490 दे रखा है, और समांतर भुजाओं का योग दे रखा है 140, और ऊंचाई आपको निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए, 2 से इसको काटेंगे तो 70 आएगा, ये बचा है 70 एकम 70, जब इधर मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 490/70, आपकी ऊंचाई साफ साफ निकल के आ गई 7, 7 से इसको काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 मीटर ऊंचाई इसकी निकल के आ गई। सीधा आपको सूत्र लगाना है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। बस क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है इसी में सारी वैल्यूज फिट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात करो जिसकी परिधि 132 सेंटीमीटर हो। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। परिधि कितनी दे रखी है, 132, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, ये जो r है ये है त्रिज्या, लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है, व्यास। तो जो त्रिज्या का दोगुना होता है वही व्यास होता है, तो त्रिज्या में इस 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें व्यास मिल जाएगा, तो हमारा ये व्यास मिल गया। अब पाई की वैल्यू होती 22/7, 2r की ही वैल्यू यानी व्यास की वैल्यू ही हमें निकालनी, ये 22/7 बराबर उस तरफ जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, 22 से 132 को काटेंगे तो 6 बार जाएगा, 6×7=42, यानी व्यास की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 42। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, व्यास आपका कितना निकल गया आया 42। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है, 550 घन सेंटीमीटर लोहे से लंब वृत्तीय बेलनाकार सरिया बनाई जाती है, यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिया की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ पर आपको देखिए 550 घन सेंटीमीटर लोहा दे रखा है, यानी घन सेंटीमीटर का मतलब है सीधा सीधा आयतन दे रखा है। अब इससे एक सरिया बनाई गई है, सरिया का व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर, आपको मालूम होना चाहिए कि व्यास अगर 1 सेंटीमीटर दे रखा है तो आपकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी होती है, तो 1/2 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, 1/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके सामने त्रिज्या दे रखी है और आयतन भी प्रश्न में दे रखा है कि 550 घन सेंटीमीटर, तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो आप लगाइए और सीधा इसका आंसर निकालिए। आयतन होता है πr²h, तो πr²h को जब हम 550 के बराबर रख देंगे तो यहाँ पर पाई की वैल्यू पता है 22/7, आर आपको मिल गया है 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 गुणे 1/2 कर लीजिए, 22/7, 1/2, 1/2 गुणे हाइट और 550। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 11, और जो नीचे उसको ऊपर भेज देंगे बराबर की उस तरफ, 550 गुणे 7×2=14 और ऊपर है 11×11×11, तो जब 11 से 550 को काटेंगे तो ये 50 बार चला जाएगा, और h की वैल्यू आपकी यहाँ पे हो गया 50, यहाँ 14×14=70 और 1 ये 0, 700 इसकी हाइट यानी ऊंचाई या कह सकते हैं लंबाई निकल के आ गई है, 700 सेंटीमीटर।
उम्मीद करता हूँ कि आयतन का फॉर्मूला लगाकर सीधा सीधा यहाँ पर देखिए कैसे निकाला गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर व्यास दे रखा है तो व्यास से हमने त्रिज्या बना ली। यहाँ पर घन सेंटीमीटर के रूप में लोहे का दे रखा है तो हमने उसको समझ लिया घन सेंटीमीटर में दिया तो सीधी सी बात है वो आयतन ही होगा। याद रखिएगा घन सेंटीमीटर है तो आयतन होगा। अब आयतन का फॉर्मूला लगाकर 550 के बराबर कर दिया और यहाँ से h यानी लंबाई या हाइट इसकी वैल्यू निकाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। साइन 60 प्लस टेन 45 माइनस साइन 90 का मान ज्ञात करो, बटे में cos 60 भी है। तो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2। टेन 45 होता है 1 और साइन 90 भी होता है 1, बटे में cos 60 है, cos 60 का मतलब हो गया 1/2। अब ये दोनों को कट जाएंगे यानी जीरो हो जाएगा, रूट 3/2 ये बटे में 1/2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2 कट गया, आंसर आपका रूट 3 आ गया। बड़ी आसानी से आंसर आ जाते हैं साइन कॉस वाले, इनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर वैल्यूज़ याद करने का तरीका आपने नहीं सीखा है तो अभी अभी मैंने आपको एक वीडियो उपलब्ध कराया था, पिछला वीडियो, जिसमें मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे आसानी से याद करें, तो आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर है आपके सामने, देख लीजिए कि एक्स के फॉर्म में वैल्यूज दे रखी हैं। ए की वैल्यू दे रखी है कि जो एक्स है वो एक्स 5 से छोटा है और बराबर है, तो हम कह सकते हैं 5 से छोटा क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 भी यहाँ ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि 5, यहाँ पर आपको जो इस तरह की चिन्ह लगा हुआ है ये मतलब है कि x जो है वो 5 से छोटा है और ये चिन्ह बता रहा है कि 5 से बराबर भी है। तो यहाँ पर हमारे साथ a की वैल्यूज़ कितनी आ गई, a बराबर 1, 2, 3, 4, 5। b में देखिए क्या बता रहा है, x की वैल्यूज़ 3 से बड़ी हैं, बराबर हैं, और 7 से छोटी हैं और बराबर हैं, यानी 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि a यूनियन b निकालो। a यूनियन b का मतलब सारी वैल्यूज़ आपको लेनी है, बस कोई वैल्यू रिपीट ना हो, 4, 5, 6, 7। ठीक, इसके बाद a इंटरसेक्शन b में वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन 3, 4, 5 है यहाँ पर, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 3, 4, 5। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं और आपको आने भी चाहिए ताकि आपको पूरे 2 में 2 नंबर मिल जाए। 15वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इसका वर्ग मूल निकालना चाहिए। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस विधि का सहारा लेना होगा और यहाँ से जोड़े बनाने होंगे, 94 और ये नंबर बच गया तो इसको भी जोड़ा कंसीडर कर लेते हैं। तो हमें ऐसे नंबर का पहाड़ा पढ़ना है, या हम कह सकते हैं ऐसे नंबर को पकड़ना है जिसका वर्ग 5 से छोटा आए। तो 2 का जो वर्ग होता है, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, तो 2 × 4 यानी 2 का वर्ग 4 होता है, तो 5 में 4 घटा 1 आया, अगला पूरा जोड़ा उताला 154। ये जो 2 यहाँ पर लिखा है इसको भी यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रश्न बोला गया कि 594 में जोड़ दें तो निश्चित तौर पर जो वर्ग की बात हो रही, जो पूर्ण वर्ग हमें क्वेश्चन में चाहिए, वो 594 से बड़ा होगा। तो अब हमें यहाँ पर वो नंबर से, देखिए यहाँ से तो ख़त्म हो रहा है, तो अब हमें यहाँ पर वो नंबर लाना है कि 194 से बड़ा हो और टोटल पूरा यहाँ पर कट रहा हो। जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ से एक नंबर इसको भूल जाते हैं, यहाँ पर है 19, यहाँ पर है 4, तो 4 का पहाड़ा 19 में पढ़ेंगे तो 4 × 16, 4 × 5 = 20, 20 ज़्यादा हो रहा है और हमें यहाँ पर इससे ज़्यादा ही नंबर लाना है, कम नंबर नहीं लाना है। जनरली हम लोग भाग में क्या करते हैं कि भाग हमेशा कम ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 594 में जोड़ दें, जोड़ने का मतलब है 594 से बड़ी संख्या पूछी जा रही है, तो हमें यहाँ पर 19 से बड़ी संख्या लेनी है। तो 4 × 5 = 20, 5 बार यहाँ पर ले जाते हैं, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, 5 × 5 = 25 और बचा 2, 5 × 20 और 2 = 22। अब यहाँ पर उल्टा घटाने की कोशिश करेंगे, 225 में 194 घटाएंगे तो ये 25 और 6 = 31।
आपका जो आंसर आएगा वो 31 आएगा, कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 594 में अगर 31 को जोड़ दें तो हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। आप चाहो तो करके भी देख सकते हैं, इसी 594 में 31 को जोड़ेंगे, 4, 1, 5, 9, 3, 12 और 1, 6, ये देखिए ये पूर्ण वर्ग है। ये किसका वर्ग है? ये 25 का वर्ग है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपकी परीक्षा में आ गए तो आप गलत नहीं करेंगे। जब यहाँ पर जोड़ने की बात हो रही है यानी 594 से ज़्यादा नंबर की बात हो रही है, तो जब हम यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 4 का भाग 19 में दे रहे थे, तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20 ज़्यादा हो रहा था, तो जनरली हम लोग 4 चौके 16 ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर संख्या हमें ज़्यादा पता करनी है तो हम 5 बार ले गए और सीधा यहाँ पर घटा के पता कर लिया, 31 आपका आंसर आ गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका ऑप्शन में आ जाता तो आपको ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको तो वर्ग याद है ना कि 20 का कितना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 तक ज़रूर वर्ग याद होने चाहिए आपको। तो 594 के आसपास कौन सा वर्ग आ रहा है? 625 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने की बात हो रही थी। यहाँ पर 594 में कुछ जोड़ेंगे तो अगला 594 के बाद जो भी पूर्ण वर्ग है वही यहाँ पर आंसर होगा। तो यहाँ पर 31 जोड़ेंगे तो 625 आपको मिल जाएगा, तो 31 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है यदि इस समय गांव की जनसंख्या 4410 हो, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी? देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन करते हैं कि हमने बैंक में कुछ पैसा डाला कुछ वर्ष के लिए कुछ इंटरेस्ट रेट से, और वो कुछ समय के बाद पैसा बढ़ गया कुछ हो गया, वही यहाँ पर भी लगाया जा रहा है। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला लगाएंगे, a बराबर p₁+r/100n, ठीक है। a वो वैल्यू है जो कुछ समय बाद होने वाली है, p वो वैल्यू है जो वर्तमान में है, और r वो वैल्यू है जो आपका रेट है, और n यानी समय। तो यहाँ पर बता रहे 4410 गांव की जनसंख्या इस समय है, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ पर पूर्व की संख्या पूछ रहा है, यानी जो पहले रही होगी और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए आज 4410 हो गई है। तो यहाँ पर हम इस अमाउंट को 4410 कंसीडर करेंगे, और जो पहले की जनसंख्या पूछ रहा है वो P यानी मूलधन के रूप में कंसीडर करेंगे। R आपका दे रखा है 5% से बढ़ रही है, और समय है 2। अब P की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा 2 वर्ष पूर्व गाँव की जनसंख्या कितनी थी। 4410 पी, इसको इससे काटेंगे तो 1/20 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा, तो 1 जोड़ेंगे तो इसमें 21/20 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर 21/20 का स्क्वायर है यानी वर्ग है, तो इसको भी करके देख लेते हैं, पी इंटू 21 का हो जाएगा 441 और 20 का हो जाएगा 400। अब ये मल्टीप्लाई में हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो इन सभी को उस तरफ भेज देते हैं, तो 4110 ये नीचे है तो उससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 400, और 441 नीचे आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 10 आएगा, 10 × 400, तो ये आपका P बराबर कितना आ गया, 4000 आ गया, यानी 2 वर्ष पूर्व 4000 गांव की जनसंख्या थी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है कि इसकी मध्यिका कितनी निकल के आ रही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो सीधा सीधा इसका सूत्र मैं आपको बता दूं, जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही सेम उसकी परिधि का भी अनुपात होगा, ठीक है। अगर वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तो उनकी परिधियों का भी अनुपात 2:3 होगा। वो कैसे होगा वो देख लीजिए। मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या हमने R1 ले ली, ठीक, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने ले ली R2, इनका अनुपात कितना है, 2:3 है यानी 2/3। अब इसके हिसाब से जो परिधि होगी 2πR1 2πR2, ठीक, इसकी परिधि ये रही और इसकी परिधि ये रही। अब इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, अब अनुपात इनका निकालिए, देखो 2π 2π तो कट ही गया, यानी बचा हमारे पास क्या, R1 और R2 ही बचा। तो हम ये सीधा सीधा ये कह सकते हैं
कि जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का भी अनुपात होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, उसका अलग से समाधान भी कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, मॉडल पेपर आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।